हमारे बीच में है भरतलाल मीना जी। भरतलाल मीना जी बेंगलोर महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त रह चुके हैं सन 2010 में। इनके कार्यकाल में जब ये महानगर पालिका के आयुक्त रह चुके थे तब इनका मेन जो कार्यकाल के अंदर जो मेन काम थे, इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही क्रिएटिव काम किया है हमारे कर्नाटक संस्कृति के बारे में। इन्होंने अपने बेंगलोर के जो वॉल्स वगैरह जो अंडरपासेस है, ब्रिजेस है, ब्यूटिफिकेशन किया है, तो स्वच्छता इनका मेन अभियान रहा है और स्वच्छता विद कल्चर विद ब्यूटी, तो ये इनका मेन अभियान रहा है। और हम यहाँ पर इनके साथ हैं समझने के लिए कि इनका प्रेरणा स्रोत क्या था और किस तरीके से इस प्रेरणा के बीज इनके दिमाग में आया कि कुछ अलग करें अपने कार्यकाल में। बेंगलोर के बारे में तो सारी दुनिया में पता है, आईटी सिटी कैपिटल जाना जाता है। इसको स्वच्छ रखना, अच्छा रखना, इसकी साफ सफाई रखना, लोगों को सुविधा अप्लाई करना एक बहुत बहुत बड़ा काम होता है। उसमें ही कमिश्नर का सारा काम लोगों की समस्या सुनने में जाता है। जो ये वॉल पेंटिंग का जो काम शुरू किया था, ये शुरू में कैसे कोई थॉट प्रोसेस में नहीं था, लेकिन जैसे ही हम देखा यहाँ की समस्या क्या थी, उसमें सिनेमा के पोस्टर लगा देते थे, दूसरे एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर लगा देते थे, सब जगह इतनी गंदगी दिखाई देती थी, इसको कैसे साफ किया जाए ये हमारे मन में था। तो हम ऑफिसर से पूछते थे इसको हटाओ, तो हटा देते थे, दूसरे दिन फिर नया पोस्टर लगा देते थे। इसका कैसे परमानेंट सोल्यूशन किया जाए मेरे दिमाग में चल रहा था, तो क्यों नहीं हम इसमें एक परमानेंट पेंटिंग कर दी जाए उसको। ऐसे सोच के पुराने आर्टिस्ट को उनके हमारे ऑफिसर्स को बोले, हमने उसको उनको पेंट प्रोवाइड किया, फिर उनसे बहुत कम दाम उनके लेबर कॉस्ट फाइनलाइज किए, उनको पेंटिंग करने को हमने फोटो सब करके दिखाया उनको। गांधी जयंती के 150th पर्व पर ये एक बुक है, आधुनिक भारत के गुमनाम समाज शिल्पी। यह किताब डॉक्टर प्रमोद कुमार जी लेखक हैं इसके, और इन्होंने कुछ लोगों का चयन किया है जो हो सकता है सामान्य वर्ग के लोग हो या सर जैसे अधिकारी भी रह चुके हो या फिर ऐसे भी लोग जो जरूरी नहीं कि बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन इन्होंने हमारे नव भारत में किसी न किसी तरीके से अपने अपने क्षेत्र में छोटे से लेके बड़े तरीके से इन्होंने हमारे देश में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है और कामयाब भी रह चुके हैं। फर्क खाली इतना है कि इन ये लोग अभी इस वक्त फिर भी गुमनाम हैं। यह किताब इनको भी एक नाम देने का, इनको भी एक रेस्पेक्ट देने का प्रयास है और इनके जितने भी काम हैं इसको नाम देने का एक प्रयास है। ये हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऑफिस के टेबल पे ये पहुंच चुका है, ये हमारे प्रेसिडेंट के ऑफिस पे सबमिट हो चुका है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये किताब हैज बीन फंडेड बाय गांधी फाउंडेशन। गांधी फाउंडेशन ने इस किताब की फंडिंग की है, तो ये भी एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं भरतलाल मीना जी को के लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी जो इस किताब में जिनका नाम हो, और हम चाहते हैं कि हमारे सरकार इस चीज पर ध्यान दे और आप सब लोगों को सम्मानित किया जाए, ये हमारी एक मनोकामना है। थैंक यू वेरी मच। आई एम धन्या पांड्या फ्रॉम APN चैनल विद कैमरामैन बेनी।